हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको नैंड गेट का कंस्ट्रक्शन बताएंगे कि नैंड गेट कैसे बनाते हैं। तो मैंने इसको बना लिया, मैं आपको इसका शो कर देता हूँ, इसके सर्किट डायग्राम कैसे बना, इसके सर्किट का कनेक्शन हमने कैसे किया। तो देखो, ये बैटरी का हमारा क्या है पॉजिटिव टर्मिनल है, बैटरी का हमारा क्या है नेगेटिव टर्मिनल है। बैटरी का देखो पॉजिटिव टर्मिनल स्विच ए के, दिखाता हूँ मैं ध्यान से आपको। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल स्विच ए के निचले वाले पार्ट से जुड़ा है, और यही वाला कनेक्शन कट नहीं किया गया है, स्विच बी के ऊपरे वाले पार्ट से जोड़ दिया गया। यहाँ पर कनेक्शन को हमने काट करके स्विच बी से दूसरे टर्मिनल के, स्विच बी के दूसरे टर्मिनल से एक वायर निकाल करके स्विच ए के टर्मिनल में ले जा करके पॉजिटिव एलईडी के पॉजिटिव टर्मिनल हमने इसको अटैच किया है, ठीक है। और ये हमारा क्या है, एक बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है जो सीधे एलईडी के नेगेटिव टर्मिनल से जाके अटैच है। तो ये देख लो ध्यान से कैसे कैसे है, ये दो स्विच हैं और ये वायरिंग है, ओके। अब चलो हम इसका वर्किंग बताते हैं, नैंड गेट काम कैसे करता है। तो नैंड गेट काम कराने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी 9 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है, जो यहाँ प्लस और ये माइनस से अटैच है। इसके पहले दिखा दिया नैंड गेट। अब देखो नैंड गेट का जो बुलियन एक्सप्रेशन होता है वो वाई इजकल टू ए प्लस ए डॉट बी होता है, और उसका कॉम्प्लीमेंट होता है, यानी जो भी वैल्यू एंड देगा उसका कॉम्प्लीमेंट लगा रहेगा तो वो हमारा नैंड देता है। यानी कि एंड में अगर हम जीरो जीरो इनपुट करते थे तो हमको आउटपुट जीरो मिलता था, लेकिन नैंड में क्या होगा कि अगर आप जीरो जीरो करोगे तो इनपुट जीरो आउटपुट जीरो मिलेगा, लेकिन उस पर कॉम्प्लीमेंट लगने का वजह मतलब है कि वो आउटपुट को बदल देगा, जीरो के बजाय एक कर देगा, ठीक है। तो देखो ये हमारी स्विच ए है, स्विच बी है, स्विच ए में जीरो है, स्विच बी में जीरो है, स्विच ए में वन है, स्विच बी में वन है, मतलब ये इनपुट्स हैं जीरो जीरो वन वन, ठीक है। ये इसका सर्किट डायग्राम है, ये देख करके आप इसको बना सकते हो। सारी चीज़ें जो हैं क्या सीरीज में जुड़ी हुई हैं, ठीक है। ये हमारा आउटपुट है। अब देखो इस ट्रुथ टेबल को करके हम फॉलो कराते हैं। तो अगर हम स्विच ए में जीरो दें और स्विच बी में जीरो दें तो हमको आउटपुट वन मिलेगा, ठीक है। तो देखो स्विच ए में जीरो, स्विच बी में जीरो देने के मतलब आउटपुट वन, मतलब क्या एलईडी ग्लो करेगी। तो स्विच ए में जीरो और बी में जीरो, तो दोनों में एक साथ मैं जीरो देता हूँ, ताकि देखो हमने दोनों में एक साथ जीरो दिया, मतलब क्या दोनों इनपुट को जीरो जीरो किया तो हमको आउटपुट जीरो मिलता है, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट वन हो जाता है, इस वजह से एलईडी ग्लो कर रही है, ठीक है। फिर मैं इसको बंद करता हूँ। अब देखना स्विच ए में जीरो दो, स्विच बी में जीरो दो, स्विच ए और बी का अगर हम प्रोडक्ट कराएंगे यानी जीरो इंटू वन जीरो होता है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट लगने की वजह से आउटपुट उसका उल्टा हो जाता है, वन होगा, यानी इसमें जीरो और इसमें वन देने पर हमारा क्या एलईडी ग्लो करेगी, ठीक है। तो देखो इसमें जीरो तो है, ए में जीरो है देना है, बी में वन, तो बी में वन है हमारा, ए में हम जीरो देते हैं तो आउटपुट मिलेगा वन, यानी एलईडी ग्लो करेगी। देखो इसमें जीरो दिया एलईडी जली, ए में जीरो है, बी में वन है, एलईडी जली, ठीक है। अब देखो अब हम ए में अगर वन दें और बी में क्या दें जीरो दें तो हमारा फिर भी आउटपुट वन मिलेगा। ए में हमको क्या देना है वन, बी में देंगे जीरो तो आउटपुट मिलेगा। तो देखो बी में जीरो कर देता हूँ, आउटपुट हमको क्या मिला वन मिला, ये वन और ये जीरो, आउटपुट मिलेगा वन। अब अगर हम दोनों स्विच में क्या करें, ए को भी वन दें बी को भी वन दें, तो वन इंटू वन करेंगे वन होता है, कॉम्प्लीमेंट की वजह से ये क्या हो जाएगा हमारा जीरो हो जाएगा, यानी आउटपुट हमको नहीं मिलेगा। तो देखो हम दोनों में क्या करेंगे वन देंगे, तो ए में हमारा वन है ऑलरेडी, बी में हमने वन कर दिया, तो वन इंटू वन वन, उसका कॉम्प्लीमेंट लगने की वजह से आउटपुट उल्टा होता है जीरो, यानी एलईडी ग्लो नहीं करेगी। तो ये देखो एलईडी बंद हो गई, जब दोनों में वन वन रहेगा तो एलईडी ऑफ रहेगी, ठीक है। ये इसका वर्किंग था, अब आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी तो प्लीज़ करें लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप इसको कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, इसके सामान चाहते हैं, तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप मुझे कांटेक्ट करके या फिर कमेंट करके इसकी सारी चीज़ें, अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आया तो मुझसे पूछ सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है, कमेंट करके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और नया है चैनल पर तो सब्सक्राइब करिए।